नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। कंपनी का नाम है फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के एनालिसिस करेंगे, प्राइस प्रिडिक्शन भी देंगे और ये टॉपिक भी मैंने आप ही के कमेंट से लिया है। आप ही में से बहुत कई लोगों ने मुझे लिखा कि फिलाटेक्स इंडिया के लिए भी आप वीडियो बनाइए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो हैं, आपको फायदा देंगे। आप अगर अच्छे एक इन्वेस्टर हैं तो अच्छे इन्वेस्टर की भी ये पहचान है कि जितना हो सके सीखे कुछ नई चीज़, या सामने वाले को अगर आप सुनते हैं तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें पता चलती हैं। तो अच्छे इन्वेस्टर का यही गुण है, तो इसलिए वीडियो को बेल आइकन को भी दबाइए उस पर, और इत्मीनान के साथ में आप वीडियो को सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में, पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में। तो फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सिंथेटिक यार्न और फैब्रिक टेक्सटाइल वगैरह भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी का इंट्रो सभी को पता होगा, और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो भी ये वीडियो बहुत मायने हो जाती है। नया प्लान कर रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, या फिर पुराने आप पहले से इसमें इन्वेस्टर हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ही अहम हो जाती है। कंपनी का फंडामेंटल की बात मैं करता हूं तो 1827 करोड़ का है और इसका ROE 32.7% है। कंपनी थोड़ा डिविडेंड भी देती है, 0.24% का इन्होंने डिविडेंड भी ऑफर किया है। फेस वैल्यू शेयर की बहुत कम, यानी कि 1 रुपया है। अब बात करेंगे कि कंपनी का करंट, जैसे 52 वीक की मैं बात करूं तो 37.90 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो रहा है, और 52 वीक का हाई अगर देखेंगे तो 69.23 रहा है। करंट सिनेरियो की देखेंगे तो 41.55 रुपीज़ पर ये अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी ने नो डाउट प्रॉफिट बना के दिए हैं, अच्छे प्रॉफिट भी दिए हैं। अब समस्या ये आती कि आपने कब बाय किया, कब सेल किया, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। आपकी बाइंग की प्लानिंग क्या रहती है ये तो आप ही जानते हैं। जब भी मेरा तो हमेशा ही यही कहना होता है कि जब भी आप कोई भी नया बाइंग करें, नया इन्वेस्टमेंट का प्लान करें, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लें, जिससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप उसके तहत भी अपना डिसीजन बना सकते हैं और उस डिसीजन के बाद आपको फायदा मिलने की उम्मीद ज़्यादा रह सकती है। आगे कंपनी में किस तरीके का, इस कंपनी का फ्यूचर है, इस स्टॉक का फ्यूचर क्या है, वन लाइन में बताएंगे। फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड स्टॉक इज एन आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म स्टॉक। ये एक आउटस्टैंडिंग स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी 41 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप 1 ईयर का प्लान कर रहे हैं तो 1 ईयर में भी ये आपको अच्छे रिटर्न देगा, और 5 ईयर में भी बहुत अच्छे रिटर्न देने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। 14 डेज का अगर एनालिसिस आप सुनना चाहते हैं तो 14 डेज का प्राइस प्रेडिक्शन के साथ में मैं आपको एक बता देता हूं, तो आप नोट कर लीजिए और उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। अभी 21 फरवरी को आप देखेंगे तो थोड़ा डाउन आने की संभावना है। ये 40.95 रुपये, यानी कि 40.95 रुपीज़ के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 22 फरवरी को 40.65 रुपीज़ मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है। 23 फरवरी को आप नोट करेंगे तो 41.65 रुपीज़ सेम आज वाला मैक्सिमम प्राइस हो सकता है, इसका ट्रेड उस पर ही करेगा। 24 फरवरी को आप नोट करेंगे तो ये 41.15 रुपीज़, और उसके बाद में 27 फरवरी को मार्केट ओपन होगा तो आप देखेंगे थोड़ा डाउन रहने वाला है, 39.95 पैसा मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। 28 फरवरी को 39.70 पैसा मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा, और उसके बाद 1 मार्च को मैं शायद 28 फरवरी बताना भूल गया हूँ, तो 28 फरवरी भी आप नोट कर लीजिए। 28 फरवरी को 39.70 पैसा, उसके बाद में 1 मार्च को आप नोट करेंगे तो 39.55 पैसा, 2 मार्च को आप देखेंगे तो 40.45 पैसा, और 3 मार्च को आप देखेंगे तो 39.95 पैसे के आसपास मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड का ये जो स्टॉक है, इसका 14 डेज का जो मैंने आपको बताया है, तो इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अपसाइड और डाउनसाइड क्या रहने वाला है, तो वो भी आप एक बार नोट कर लीजिए। तो ये जो कमिंग 14 डेज है, इसमें आप देखेंगे 41.65 रुपीज़ के आसपास तो अपसाइड रहेगा, और डाउनसाइड की अगर आप देखेंगे तो 37.30 रुपीज़ इसका डाउनसाइड रहने वाला है कमिंग 14 डेज में। यानी कि ये चीजें समझने की है और आप समझ पाए होंगे। अब बात करेंगे कि पूरे साल का क्या सीन रहने वाला है, कि इसमें इस स्टॉक में मार्च से लेकर दिसंबर तक किस दर ये शेयर मूव करेगा, वो स्थिति आपकी क्लियर हो जाएगी, उससे आप अपना एक डिसीजन बना पाएंगे और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग आप अपना आगे का प्लान कर पाएंगे कि किस तरीके से आपको मार्केट में बने रहना है, या फिर निकलना है, या बाय करना है, होल्ड करना है, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके अपने डिसीजन होंगे। मार्च 2023 का अगर आप नोट करेंगे तो इसका मैक्सिमम जो जाने वाला है वो 45 रुपीज़
40 पैसा, अप्रैल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ 47 रुपीज 70 पैसा, मई 2023 का आप नोट करेंगे तो 49 रुपीज 45 पैसा मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करेगा। जून 2023 में 49 रुपीज 60 पैसा, जुलाई में 52 रुपीज 20 पैसा, उसके बाद अगस्त में आप 54 रुपीज के आसपास इसको मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करते हुए देख पाएंगे। सितंबर में 55 रुपीज 20 पैसा, अक्टूबर में 56 रुपीज 60 पैसा, नवंबर में 57 रुपीज 95 पैसा और दिसंबर 2023 में 59 रुपीज 65 पैसा। तो ये अपने इस मैक्सिमम प्राइस पर ट्रेड करने वाला है, तो इससे ये तो दिखता है कि हाँ इस स्टॉक में ग्रोथ आएगी, इस साल में ग्रो करता रहेगा स्लोली स्लोली। तो मैं समझता हूँ कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और भी किसी तरह का अगर आपको डाउट इस शेयर से रिलेटेड बन रहा है तो भी आप मुझे लिख सकते हैं। तो मोटे मोटे ये हो गया कि आप ये समझ पाएंगे कि साल भर में अगर वन ईयर का प्लान कर रहे हैं तो ये प्रॉफिटेबल है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। वन ईयर में ये आपको ठीक ठाक रिटर्न बना के देगा और आगे आपको और भी अच्छे रिटर्न देने वाला है, तो ये एक आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है। और भी किसी कंपनी के स्टॉक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो आप ये लिखेंगे, या और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हुए होंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए आप देखते रहिए। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, सलाम।